रानी धर्मशाला परिसर में आयोजित रास गरबा डांडिया नृत्य का समापन जस गीतों की धुन पर हुआ है। 3 दिवसीय रास गरबा समापन समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि राजन विधायक अमितेश शुक्ला और स्वराज एक्सप्रेस चैनल के डायरेक्टर नमित जैन प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। प्रयाग नगरी राजन के पदाधिकारी और सदस्यों ने स्वराज चैनल की दिन पर दिन बढ़ती ख्याति और जनहित की खबरों के प्रकाशन को लेकर नमित जैन का सम्मान किया। सैकड़ों लोगों के जन सैलाब को संबोधित करते हुए नमित जैन ने आकर्षक प्रस्तुति देने पर सभी को बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने पारंपरिक पर्व पर छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सहेजने की पहल की। अमितेश शुक्ल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पारंपरिक पर्व में इस तरह के आयोजन करने से ग्रामीण प्रतिभाओं को अपनी प्रस्तुति देने के लिए मंच मिलने से उनका मनोबल भी बढ़ता है। क्या बोलूं मैं, पूरा मेल जोल बनाकर इतना दिन तक साथ रखी समझला और कहीं भी डकमगाए लेडीज हमेशा हमारे साथ अंग संग बने रही थे। मैं मैडम का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम लोग 4-5 दिन किए हैं गरबा, बहुत मजा आया है ना, और 2 साल से हो रहा है यहाँ पे पिछले साल से। और ये सोचो कि बस राजिम लोचन भगवान की कृपा है और बस ऐसी चलते रहे, राजिम छत्तीसगढ़ का नाम रोशन हो। मैं तो अति खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं जयपुर से ज्योति चंदे 25 दिन से बच्चों को प्रशिक्षण दे रही थी और इतना अच्छा आयोजन हुआ। प्रथम पुरस्कार और द्वितीय पुरस्कार दोनों ही अपनी ही टीम को मिली है, तो प्रयाग परिवार और पूरी राजिम नगरी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। भगवान राजीव लोचन की नगरी प्रयाग धार्मिक आस्था का केंद्र है। छत्तीसगढ़ में धर्म के प्रति जो संदेश कार्यक्रम की अंतिम कड़ी है राजीव से ही जाता है और बहुत अच्छा प्रयास है प्रयाग परिवार के युवा साथियों के द्वारा कि 3 दिवसीय उनके द्वारा रास गरबा का आयोजन किया गया। वर्ष 2016 में मिस शैडो